दुमका में फिर हुई हैवानियत, सीएम सोरेन के गढ़ में इंसानियत शर्मसार, सिरफिरे प्रेमी ने युवती को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान लड़की ने तोड़ा दम। झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। दुमका में अंकिता सिंह हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी कि एक और युवती को जिंदा जला दिया गया। दुमका सीएम हेमंत सोरेन का गढ़ माना जाता है और यहां से उनके भाई बसंत सोरेन विधायक हैं। इस घटना के बाद एक बार फिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। दुमका के जरमुंडी में एक सिरफिरे आशिक ने लड़की को जिंदा जला दिया। युवती को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया, जिसके बाद उसे रांची रिम्स शिफ्ट किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ने पेट्रोल डालकर लड़की को उसके घर में जिंदा जलाया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। खबर है, सब खबरों की जानकारी है, दुमका की, कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी हमें प्राप्त है और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रही है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाए। दादा, आपने जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान कहा, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि उन्हें हर घटना की जानकारी और पुलिस अपना काम कर रही है। युवती 70% से ज्यादा जल चुकी थी और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आरोपी पहले से शादीशुदा था और जब युवती ने शादी करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे जिंदा जला डाला। झारखंड के दुमका में जिंदा जलाने का ये हाल ही में दूसरा मामला है। आरोपी युवती के घर में गेट तोड़कर घुसा था और फिर उसे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने खुलासा किया है कि आरोपी और युवती दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते थे।